केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने अशोकनगर गुना और शिवपुरी जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया और बाढ़ प्रभावित पीड़ित लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के कई जिलों में आई बाढ़ को लेकर कहा कि वे पिछले एक सप्ताह से रोजाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से राहत कार्यों को लेकर निरंतर चर्चा करते रहे हैं। शनिवार को भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ग्वालियर चंबल संभाग में 40 साल बाद आई इस प्राकृतिक विपदा को लेकर चर्चा की और राहत कार्यों की प्रगति के बारे में उन्हें जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस भीषण आपदा में प्रदेश की आपदा प्रबंधन की सेवाएं पर्याप्त नहीं थी, इसीलिए सेना, एनडीआरएफ और 6 हेलीकॉप्टर भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों को निकालने के लिए लगाए गए थे, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से वे 2 दिन बाद राहत कार्यों में जुट सके। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन और संभागीय अधिकारियों से राहत कार्यों की समीक्षा की है। अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बिगड़े हुए मौसम को लेकर एक मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप किया जाना चाहिए, जिससे किसी प्राकृतिक आपदा से लोगों को समय रहते सचेत किया जा सके और प्रशासन भी ऐसे में लोगों की सहायता कर सके। नहीं नहीं, हमारी पूरी मॉनिटरिंग पिछले एक हफ्ते से, जब से ये प्राकृतिक प्रकोप आया है, केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों मिलके कार्य कर रहे हैं। मेरी चर्चा रात के 2 बजे तक मुख्यमंत्री जी के साथ रोज हो रही है, दिल्ली में गृह मंत्री जी के साथ, रक्षा मंत्री के साथ, सभी के साथ, प्रधानमंत्री जी के साथ चर्चा हो रही है। कल ही हमारी मुलाकात हुई, प्रधानमंत्री जी स्वयं बड़े चिंतित हैं और ये पिछले 40 साल में ऐसी तबाही हमारे ग्वालियर चंबल क्षेत्र में हमें देखने को नहीं मिली, जहां जान माल, पुल, सड़क, हर तरीके से सभी क्षेत्रों में इतनी हानि हुई। और इसलिए केवल प्रदेश की डिज़ास्टर रिलीफ फोर्स केवल नहीं, लेकिन केंद्र सरकार से भी एनडीआरएफ की फोर्स भेजी है, आर्मी को भी हमने भेजा है। पहले हमने करीब 6 उड़न खटोले भेजे थे, पर बुरे मौसम के आधार पर वो उड़ नहीं पाए, 2 दिन बाद उड़ पाए, और कुल मिलाकर करीब करीब 15,000-20,000 लोगों की जान बची है। और कई लोगों ने, प्रशासन के लोगों ने भी अपने जान को हथेली पर डालकर लोगों की जान बचाने के लिए कोशिश की है। आज भी मैंने कल रात को, जैसे आप लोगों को मालूम है, 12:30 बजे रात तक, 12:45 बजे तक मेरी मीटिंग चली प्रशासन के साथ, और मैंने कहा है कि एक मॉनिटरिंग सिस्टम होनी चाहिए, जहां एक मूल्यांकन होनी चाहिए कि कहां मौसम खराब होने वाला है और वहां बांधों की क्या स्थिति है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि स्थानीय लोगों की मदद और संसाधनों से अभी तक करीब 20,000 लोगों की जान बचाई जा सकी है। इस आपदा में जान माल, पुल, सड़क का भारी नुकसान हुआ है। लोगों को हुए नुकसान का जल्द से जल्द आंकलन करके राहत पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। लोगों के घर, अनाज, फसल और पशुओं की भी हानि हुई है, इसके आंकलन करके एक निश्चित समय सीमा में मदद पहुंचाई जाएगी। फिलहाल प्रभावित लोगों को खान पान, उनके टूटे हुए घर बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने लोगों को आश्वस्त किया है कि उनकी मदद में किसी भी तरह की कमी नहीं रहने दी जाएगी। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार पूरी तरह से प्रभावित लोगों के साथ है और वे खुद राहत कार्यों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। करीब 20 ट्रक राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्रों में भेजी गई है, ताकि एडवांस वार्निंग हम लोग जनता को भी दे पाए और हमारे प्रशासन का अमला भी वहां पहले से पहुंच पाए। उसी के साथ जिन लोगों को हानि हुई है, अनाज की, घरों की, पशुओं की, फसल की, उसका भी आकलन होना चाहिए। जल्द से जल्द जो रिलीफ कैंप्स ऑलरेडी सेटअप हो चुके हैं, उसी के साथ साथ लोगों को खान पान, अनाज पहुंचाने की मुहिम शुरुआत जल्द से जल्द होनी चाहिए। आज ही मैंने करीब 10 ट्रक्स को रवाना किए हैं, कल भी ट्रक्स रवाना हुए थे, प्रभारी मंत्री जी ने भी रवाना किए हैं, तो उस पर हमारा कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। और तीसरी पहल होगी कि जो जान माल और शासकीय अधोसंरचना की हानि हुई है, उसकी भरपाई हम लोग कैसे करें, पहले मूल्यांकन हो और उसकी भरपाई कैसे हो, तो इन 3 पहलुओं पर हम लोग काम कर रहे हैं और मैं शाम को भी आके सभी लोगों से चर्चा करूंगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक,
पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।